बच्चों की हमने आप बताया था मैंने कि हमारी कल की तैयारी है, तो अभी पता है मैं रास्ते के लिए हम लोग बेसन के लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि बेसन के लड्डू खाने में बहुत स्वादिष्ट है। बाजार के हमने खा कर देखे वो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं रहते और अच्छे भी नहीं लगते, उनका स्वाद बहुत अलग रहता है, मगर जो हम घर पर बनाते हैं ना उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग। और अपने आराम से घी का बनाओ, बाहर का पता नहीं किस तरह के ऑयल का रहता है, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और सफ़र भी लंबा है तो बैठे बैठे बोर होंगे तो क्या करेंगे, लड्डू खाएंगे। तो गाइस हम लोग बना रहे हैं बेसन के लड्डू। देख सकते हो लड्डू की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये अपन भुने हुए कि जो ठंडा हो रहा था उसको ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद अब इसमें मिलाएंगे शक्कर का बूरा, जो कि हमने घर पर ही बनाया है, उसको हम बाहर से भी नहीं लाते क्योंकि बाहर का हमें ज़्यादा पसंद है। ये लड्डू बाहर के खाने में और घर के खाने में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। लड्डू बनाने वाले मास्टर जी शायद आप देख सकते हो बहुत बेस्ट लड्डू बना दिए आप लोगों ने। अगर एक बार भी इनका लड्डू टेस्ट कर लिया ना, आप हमेशा यही कहेंगे भी खाना है तो ऑर्डर कर देना, मैं बना के भेजूंगी। बिल्कुल आप देख सकते हो लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। लड्डू बनाने की खुशी अलग है और जाने की इतनी खुशी नहीं, जो लड्डू बनने ना इसकी ज़्यादा खुशी लग रही है, क्योंकि लड्डू इतने टेस्टी रहते हैं कि आपको बयान नहीं कर सकते, मतलब बता ही नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है। लड्डू बहुत टेस्टी है, बताए सबसे ज़्यादा मेन बात क्या है, लड्डू बनाने वाले हैं ना उनने आज टाइम निकाल लिया, यही हमारे लिए बहुत हो गया, टाइम ही नहीं रहता है। बहुत सारा काम छोड़ कर हमने लड्डू बनाने के लिए एग्री हुई है, तो लड्डू आप देख सकते हो। हम लोगों की पैकिंग जा रहे हैं, पैकिंग चल रही है और अभी पैकिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, हमारे लिए बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए ना। बैग हो जा रही है, बहुत ज़्यादा बैग होने वाली है। चलो तो गाइज आप लोग देख सकते हो पैकिंग तो ज़्यादा हो गई है, बैग ज़्यादा हो रहे हैं। ये सांप को देखिए, ये जा नहीं रहे हैं, मगर इनका मन ये रहा है, इनके मन में जो चल रहा है कि हम गोवा ही जा रहे हैं, कंप्लीट तैयार खड़े हुए। ये देखिए पैकिंग चल रही है, कंप्लीट है बस। क्या मुक्कू पुनीत जो टोपा ले लेना भैया, मम्मी हमारी, ये भाभी हमारी, जो सिस्टर की है, जैसे भाई है मेरा, जो सिस्टर के बच्चे हैं वो भाइयों के बच्चे हैं, ये खाना बना रही हैं क्योंकि इनको खाना बनाना जरूरी है। जो रो रहे हैं आपस में लड़ाई हो गई तो बच्चे आपस में लड़ने लग गए। दादी नाट चिल्ला रही है, पता है ये कबीर है और ये जा रहा है कि इसको ले तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि है ना उसे पता नहीं कि मुझे ले गया, उसने अपना बैग कह रहा है, इतने सारे बैग लग रहे हैं, इतने ढेर सारे बैग देख के कह रहा है, अपनी मम्मी से कहता है कि मेरा भी बैग दे दो, तो आप देख सकते हो उसने अपना बैग छोटा वाला टांग लिया। हंसी भी आ रही, कबीर बाय कर दो मम्मी से, मम्मी से बाय कर दो, मम्मी से बाय कर दो। देखो बैग लेके चल रहा है, उसने कहा मेरा बैग अलग से लगा दीजिए, तो आप देख सकते हो बहुत हंसी आ रही इसको देखिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये लोग सब इसमें बैठ चुके हैं और कुछ लोग पैदल पहुंच रहे हैं, मैं तो पैदल ही जाऊंगी, कहीं टोपा कहीं आप कहीं कहीं जाकर। हम लोग जा रहे हैं
ही जाएंगे क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में ही है, मुश्किल से 10 मिनट भी ले जाएंगे पहुँचने में, क्योंकि ना इतनी सारी गाड़ियाँ मर गए। ऐसा लग रहा है जाने कितने लोग भर के जा रहे हैं भैया रे। क्या बात है संगीता, नहीं जी जी के संग अच्छी लग रही थी। पता कमलेश का मन नहीं माना, वीडियो कॉलिंग पर लगी है, लगी है, लगी देखो पैदल जाने में बहुत मजा आ रहा है, गर्मी भी आ रही है। नीचे देखे और भाई ये देखो, ये देखो जा रहे हमारे पापा भाई भतीजा, पीछे और भी लोग आ रहे हैं। वो देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गए हैं सभी लोग। ट्रेन का टाइम भी हमारा 10:26 का टाइम है, तो मोड़ी की याद है जो भी टाइम हो चुका है 10:26 का टाइम है। लगे इसकी लोग इससे क्या पता चल रहा है, अगर एक आध बैग गुम होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा बैग कौन सा कम हो रहा है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा और भी ध्यान में रखकर बनाना पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है ये देखिए पुनीत, हेलो पुनीत। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मेरे को ना अगर आप बता दिया है तो सबको पता चल मस्ती करने वाले। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं सभी लोग, सीटें भी कन्फर्म हुई भोपाल में, और एडजस्ट हो रहा है कितनी सीट में बैठ होंगे, 3-4 सीटें तो कन्फर्म है भाई। जोर से ही बोल रही भाई, देखना मैं कितने से अभी क्या है एडजस्ट कर रहे हैं, और दो लोग तो घर दूसरे वाले को S7 में गए। लग रहा है सारे रास्ता सोते जाओगे क्या? आपको पता है यहाँ से एसी कितनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से? हाँ उधर से ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो गर्मी ना मत क्या खा रही है क्या बेटिया, क्या खाना है? लग रही है अभी थोड़ी देर एडजस्ट करो यानी सब मिलेगा। मैडम खाना कितनी देर में दोगी? भूख लग गई। सभी लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा के सभी लोग खड़े हो गए। मैंने खाने का नहीं डाला था, हमने बनाई थी कॉफ़ी, ये देखिए मशीन भी रखी है, हम लोग मशीन लेकर आए कॉफ़ी बनाने के लिए। एक तो बैठ के मस्त बढ़िया कॉफ़ी बनाई थी, बढ़िया मस्त सबों ने पी, भर के ब्रेड थी और बिस्किट भी खाए, तो खाना में आलू पूड़ी खाई है, अब खाना खाएंगे और नाश्ता करेंगे 2 बजे या 3 बजे के टाइम पर, सब कुछ करेंगे। तो गाइस शाम का हो गया 6:15 और हम लोग पहुँच गए भोपाल।
और अब भोपाल में अब नाइट में हम लोग खाना खाएंगे 9 बजे के बाद। अभी सभी लोग कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी पीकर सब लोग मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग अभी हमने सीट पर बैठ के शांति से बैठे हुए हैं। अभी सभी लोगों को बोरियत सी फील हो रही है क्योंकि अभी सुबह से बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, बस इधर से उधर उधर से उधर हो रहा है। ट्रेन इतनी खास नहीं चल रही, मेरा भी मतलब अंधेरा हो गया था, मैं इतनी खास भी नहीं दिख रही हूँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये भोपाल आ चुके हैं अपन, ये भोपाल का कुछ ऐसा स्टेशन है। अब भोपाल से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है भोपाल से, तो भोपाल से निकल के आपको आगे मिलती है। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 7:30 का टाइम हो गया, 7:25 हो चुके हैं और अब हम लोग गोवा में चल रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ना भी कॉफ़ी पी ली है। देखिए सभी का नाश्ता चल रहा है, मेरा नाश्ता तो खत्म हो चुका क्योंकि मैंने खा लिया था, मैं कॉफ़ी बना रही थी, कॉफ़ी बन चुकी थी, सभी खा गए, खा कर कॉफ़ी पीकर नाश्ता कर रहे हैं। मजा आ गया, सफर का आनंद पूरा पूरा लेने जा रहे हैं। आपको बताऊं ना, मैं सोने भी नहीं देते चाय वाले, चाय खाना पागल कर कर रख दिया, ये पागल ऐसा थोड़ा ना होता। सुबह का टाइम कितना उधर तो ना फॉग है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा फॉगी फॉग है। सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, 8 बज गए हैं।
चाय कॉफी। चंगी तभी लगा ली देर लापू निकाली।
इतनी महंगी है। मंदिर कहाँ, जामलेश्वर मंदिर? वो भी अच्छा मंदिर है ना देखने लायक। आज हम लोग तैयार हो चुके हैं, खाना खाने जा रहे हैं। अभी डिनर होगा शाम का और टाइम हो चुका है, 9 बज रहे हैं। सारा रात के 9 बजने का टाइम हो चुका है। तो गाइस अभी सभी लोग जाके डिनर कर लें। ये देखो हमारी मम्मी किस तरह से बैठी है। नहा लिया मम्मी, तुम नहा लिया ना? तुमने नहा लिया? ये क्या है? टाइमर रखा है। क्या होगा? मैं कब से कर रहा हूँ? कर लो कर लो, जल्दी तैयार हो जाओ। बड़ा बड़ा किसान की आज पता है पूरी रात लाएगा, पूरी रात लाएगी। मुझे तो शायद ऐसा ही लग रहा है। फाइनली बज गए हैं 11, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो अब हम लोग करने वाले डिनर, और डिनर करके आते हैं फिर नाइट हो जाएगी 12 बज जाएंगे, क्योंकि सुबह सारे दिन का दो दिन का सफ़र कंप्लीट करके आप खाना खा के फिर सोते हैं। सो के फिर सुबह जल्दी से उठ के फिर नए कोई अच्छे बीच पे जाएंगे, बीच पे करेंगे एंजॉय। तो हम लोग निकल रहे हैं। वही लेके आना था मुझे भी, बना तो रही भाई, मैं देखने में नहीं लग रहा मतलब। मार्केट जो नाइट का रहता है वो ज़्यादा देर रात में तो लगा लिया ना, आ तो रहे हैं वो लोग। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे बोल दियो ना। हेलो वेलकम, हेलो। सुबह से भी खाने देखो माहौल को भी देखो, बच गया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज चुका है, सब 6:20 हो चुके हैं और सुबह का माहौल का भी हो। और अभी आज नींद बहुत अच्छी आई है और बहुत मस्त। रात में बहुत लेट हो गए थे खाना खाने में, हम लोग आए थे खाना खाकर एक बज गया था। एक बज के बाद फिर बातें आते करते रहे, बातें करने के बाद सो रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं बीच, करते हैं बहुत मस्ती। तो गाइस चलते हैं आगे, बहुत प्यारा लगा ना। Please stop
है क्या, क्या है माहौल ना। ये देखिए हाय, ये मेरी सिस्टर की बेटी है, उसका रूम है, वो अपने रूम पर थी, हम लोग अपने रूम के बालकनी में खड़ी हुई हूँ और वो दूसरे रूम पर खड़ी हुई है। पास का ज़्यादा आ रहा है, जैसे अब तो गाइस अब करते हैं चाय का नाश्ता, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं और करते हैं फिर से मौज मस्ती। अभी देख सकते हैं आप सभी लोग किस तरह से पड़े हुए हैं अपने अपने बेड पर, अब जाग रहे हैं, अब सब लोग उठेंगे। देखो ये मेरी प्यारी सी पति जी सो रहा है। देखो बिट्टू हाय करो, गुड मॉर्निंग कर दो। बहुत ज्यादा शांत माहौल है यहाँ पे, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं फालतू की, नो स्पीकर नो साउंड कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा शांति वाला माहौल है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, और आज के ब्लॉग में इतना मैंने अभी इतना खास नहीं डाला है, तो गाइस आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन करें और कमेंट भी जरूर करें, और गोवा में आपको अगर कुछ अच्छा भी देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ हम लोग वो भी आपको बताएंगे। ओके गाइस।